नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बनाया हूं वह है आपका हाउ टू रिपेयर हनीकम इन कंक्रीट सरफेस। मतलब कंक्रीट सरफेस पे जो हनीकम आ जाता है उसको रिपेयर कैसे करना है। ठीक है दोस्तों एक और चीज़ आपको याद दिला दूँ, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें था रीजन ऑफ हनीकम, मतलब हनीकम आने का कारण क्या है। अगर आप दोस्तों उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जो नीचे जरा देखिए उसमें दिया हूँ, उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको जो उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो हम आपको बता दें कि बहुत सारे साइट में जो होते हैं लोग जो है सीमेंट और सैंड का मोटर बना करके जो है हनीकम को रिपेयर कर देते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है और उस कॉलम में जो है स्ट्रेंथ उतना प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। जैसा भी आपको ही पता है वो बस काम चलाओ के लिए। तो हम आपको एक ऐसा आज केमिकल के बारे में बताएंगे, जैसे तो मार्केट में बहुत सारा केमिकल आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम एक ऐसा केमिकल के बारे में बताएंगे जो मैंने यूज़ किया है, मैं अपने साइट पर यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उस केमिकल का नाम है परमा, PERMA। अब इस केमिकल को कैसे यूज करना है और इसका क्या 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 आता है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसके करने से पहले जो हम इसको दो टाइप लेते हैं, तो हनीकम हमेशा जो है दो टाइप में आता है। पहला आपका आएगा बिग हनीकम और इधर दूसरा आएगा आपका स्मॉल हनीकम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम पहला ले चलते हैं बिग हनीकम। बिग हनीकम में भी जो है दो तरह का होगा आपका। पहला है कि आपको उसमें सरिया एक्सपोज होगा, तो सरिया आपका रेनफोर्समेंट जो है वो आपको दिख रहा होगा। दूसरा है कि सरिया मतलब नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ हनीकम आपको जो है बड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर सरिया अगर आपका दिख रहा है तो उसको एक केमिकल आता है आपका रस्ट रिमूवर। इस केमिकल को का यूज करके आप जो है रेनफोर्समेंट में जितने भी आपका रस्ट है वो आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपका जो है रेनफोर्समेंट नहीं दिख रहा है तब उसको क्या करना है, तो जो सरफेस आपका जो है जहाँ पर हनीकम आया हुआ, लोहा का एक ब्रश होता है, लोहा का ब्रश से जो आप पूरी तरह से उसको जो है क्लीन कर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतलब कि स्टार्ट करने से पहले जो है केमिकल यूज़ करने से पहले जो है उस चीज़ उस जगह को जो है पूरी तरीके से जो है क्लीन कर दीजिए लोहा के ब्रश से। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है कि इसमें आता है आपका पहला क्या है आपका मास्टर बॉन्ड। मास्टर बॉन्ड का दो तरह का केमिकल होता है। पहला पार्ट ए और प्लस पार्ट बी। इस दोनों केमिकल को क्या करना है दोस्तों, दोनों को मिला देना। ठीक है दोस्तों, मिलाने के बाद क्या करना है, जब वो पूरी अच्छी तरीके से मिल जाए उसको ब्रश लेकर के जो है जैसे हम लोग पेंट नहीं करते हैं उसी तरह से जो पेंट मारना है, मतलब ये जहाँ पे पूरा अंदर होल में जहाँ तक आपका जो हनीकम दिख रहा है वहाँ तक आप पूरी अच्छी तरीके से जो है पेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों,
जब उस जगह में पूरी तरीके से पेंट हो जाएगा तब आपको क्या करना है कि एक घंटा बाद आफ्टर वन आवर बाद उस जगह को जो है दूसरा केमिकल यूज करना, जिस केमिकल का नाम आपका है पॉलीक्रिट। उस पॉलीक्रिट को जो है, पॉलीक्रिट केमिकल को जो है, ये आपका जो है जैसे सीमेंट नहीं होता उसी तरह का दिखेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। उस केमिकल में जो है, जैसे अगर हम एक केजी लेते हैं उसमें जो आपका जो है 120 ml पानी मिलाना है। एक केजी में 120 ml पानी मिला करके उसको जो सीमेंट मोटर की तरह, जैसे मोटर नहीं बनता है उस तरह उसको जो है बनाना है। और वो बन जाने के बाद जो है जहाँ जहाँ हम लोग जो है मास्टर बॉन्ड यूज किए हैं वहाँ पे है लगाना है। उसको लगाने का मेथड भी आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपका जो एक ब्लेड होता है, जैसे पुट्टी नहीं, पुट्टी मारते हैं, पुट्टी मारने जैसा ये आपका ब्लेड होगा, उसी पुट्टी मारने जैसा ब्लेड को लेकर के जो है ना इस केमिकल को लेना है पॉलीक्रिटो को, जैसे उस पर जो है कोटिंग करना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से क्या होगा ना कि आपका जो है हनीकम का सरफेस जो पूरी तरीके से आपका जो है रिपेयर हो जाएगा, पूरा एकदम जैसे कंक्रीट जैसा दिखता है वैसे ही आपका दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, दूसरा है मेरा स्मॉल हनीकम। स्मॉल हनीकम में आपका जो सरिया दिखेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, उसमें बस क्या करना है, हम लोग का वायर ब्रश जो होता है, वायर वाला ब्रश से पूरी तरह से उस एरिया को जो है पूरी तरह से क्लीन कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या करना, फिर सेम चीज मास्टर बॉन्ड को जो है, मास्टर बॉन्ड जो का जो है, मास्टर बॉन्ड पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों को मिला करके, दोनों को पूरी अच्छी तरीके से मिला दें, सेम प्रोसीजर करते हैं उसको। जब फिर जहाँ पे आपका हनीकम आया हुआ वो आप पूरी अच्छी तरीके से लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये स्मॉल हनीकम में ऐसा ही करना है। और उसके बाद क्या करना है कि उसी में दूसरा केमिकल आपका आता है मास्टर फिलिपी। ठीक है दोस्तों, मास्टर ईटी, इसको क्या करना, इसमें भी जो है ना, इसमें दो तरह के केमिकल है। वो आपका पहला क्या है, आपका दोस्तों इसमें के पहला क्या है, बेस प्लस रिएक्टर। इस दोनों को जो है आप पूरी अच्छी तरीके से जैसे पुट्टी नहीं मिलता वैसे मिला दो। और सेम प्रोसीजर आपका जो है, जैसे इसमें भी वही सेम करना है, मास्टर बॉन्ड को मिला, दोनों मिला करके लगा देने के बाद एक घंटा बाद इस चीज़ को लगाना है, फिर पुट्टी मारते हैं उसे मार दीजिए जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये भी आपका जो है हनीकम रिपेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे लगा मेरा ये वीडियो, अगर पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए और ख़ास करके ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है कि उसको भी जानकारी मिल जाए। और वो सब्सक्राइब वाला जो आपका बटन जो है, अगर अभी लाल दिख रहा है ना उसको क्लिक कर देंगे ना तो वो काला दिखने लगेगा, तो जल्दी जल्दी उसको क्लिक कर दीजिए जैसे कि लाल वाला चीज़ आपका हट जाए। और दोस्तों, जैसे ही वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हम जितना भी सारा वीडियो अपडेट करेंगे वो सारा आपका जो है वो नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।